हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी ऑल नो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल, है ना। रेजिस्टेंस अ फैक्टर ऑन विच वॉट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, सबको पता है। लेंथ, एरिया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, कहाँ से आया है। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सर्टेन फिजिकल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर। वी ऑल्सो नो दैट वॉट रेजिस्टेंस ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। अब देखो, तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल क्या होता है, रो एल बाई ए। तो रो इजकल टू क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर लो आर ए बाई एल। तो रो यहाँ पे क्या है, रेसिस्टिविटी, ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। तो रेसिस्टिविटी इजकल टू इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, देखो रेजिस्टेंस का क्या है ओम, एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, लेंथ का क्या होगा मीटर, मीटर मीटर कैंसिल आउट क्या आया ओम मीटर, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हुआ ओम मीटर। अब बोलता है कि रेसिस्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये चीज़ याद रख लेना है कि रेसिस्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ अ मटेरियल और कंडक्टर। ये लेंथ एरिया पे क्या होते हैं, डिपेंड नहीं करते हैं। मैंने इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मटेरियल कंडक्टर को आप खींच दो या उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दो या कुछ भी कर दो, उसका लेंथ चेंज कर दो, ब्रेथ चेंज कर दो, तो एरिया चेंज हो जाएगा, लेकिन रेसिस्टिविटी उसका हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, चेंज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि रेसिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, अंडरस्टूड। और ये डिपेंड किस पर रहता है, सिंपल, ओनली नेचर ऑफ कंडक्टर और सर्टेन अदर फिजिकल कंडीशन, इसी पर रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है, याद रहेगा। ये बहुत ही ना वास्ट डिफरेंस है आपका, ये रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच में, नो प्रॉब्लम। अब देखो, यही आर इजकल टू होता है रो एल बाई ए, इसी पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक ना। क्या न्यूमेरिकल है, क्लास में बताया था आपको कि इफ़ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम इज स्ट्रेच्ड 3 times फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो वॉट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, ठीक। एक वायर है, मान लो ए वी वायर है, है ना, उसको 3 times स्ट्रेच किया जाए, तो अभी इसका ओरिजिनल लेंथ है एज्यूम कर लो बेटा एल, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर, है ना, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लो ए, है ना, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, आर इजकल टू रो एल बाई ए, एज्यूम दिस इज इक्वेशन 1। अब इस वायर को बोल रहा है कि स्ट्रेच 3 times कर रही है, तो इसको खींच दो बेटा, तो खींच के देखो ये वायर ए बी को इतना लंबा बना लिए, तो नया वायर क्या बना ए डैश बी डैश, है ना। अब इसका लेंथ एज्यूम कर लो क्या हो जाएगा, सपोज कर लो कि इसका लेंथ क्या है एल डैश, इसका रेजिस्टेंस क्या है आर डैश, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है वो भी चेंज करेगा ए डैश, है ना, तो सब अलग अलग हो गया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस फाइंड करने का, सिंपल वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा ये आर डैश इजकल टू रो एल डैश बाई ए डैश, एज्यूम दिस इज इक्वेशन, हमको यही फाइंड करना है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको एल डैश दिया हुआ है, एल डैश क्या है पुराने लेंथ का 3 times, एल डैश इजकल टू क्या है 3L दिया हुआ है, लेकिन ए डैश नहीं दिया हुआ है, तो ए डैश फाइंड करना है। तो यही ए डैश फाइंड करने के लिए देखिए एक बहुत ही कॉन्सेप्ट है, क्या कि वॉल्यूम ऑफ एनी मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ एनी थिंग, ये हमेशा क्या होता है कांस्टेंट। किसी को, किसी मटेरियल को कुछ भी करो, है ना, मान लो कि कोई बिल्डिंग बना है बेटा, उसमें 10,000 ब्रिक्स लगे हुए हैं, अब उसको मान लो गिरा दो, तो ब्रिक्स तो कम नहीं ना हो गया, ब्रिक्स का वॉल्यूम तो कम नहीं ना हुआ, वही तो 10,000 हुआ ना, ये सुनो। तो वॉल्यूम ऑफ एनी मटेरियल हमेशा क्या होगा कांस्टेंट, तो वॉल्यूम फाइंड करो, यहीं से हमारा एडस का वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वायर अभी ओरिजिनल वायर, उसका क्या होगा बेटा एरिया इनटू लेंथ, ये हुआ वॉल्यूम मेरा। वॉल्यूम ऑफ वायर जो स्ट्रेच किया एडस पी डैश, उसका क्या हो जाएगा एडस इनटू एल डैश, है ना। अब ये दोनों क्या होंगे इक्वल, इक्वल कर लो तो ए एल इनटू इज करो क्या हुआ एडस एल डैश, यहाँ से एडस फाइंड कर लो तो एडस इज करो क्या हो जाएगा ए एल बाई एल डैश, तो ए एल बाई एल डैश का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3L, एल एल कट गया तो कितना आया ए बाई 3, यानी कि जो मेरा नया एरिया हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश, वो क्या हुआ 1/3 times ऑफ ओरिजिनल एरिया, तो ए डैश का ही वैल्यू मिल गया, एल डैश का वैल्यू हमको पता है, तो नया रेजिस्टेंस नहीं फाइंड हो गया, तो नया रेजिस्टेंस लिख लो आर डैश इज टू क्या था रो एल डैश बाई ए डैश, यहाँ पर क्या आ जाएगा रो इंटू एल डैश का वैल्यू लिखो 3L, ए डैश का वैल्यू भी फाइंड किए ए बाई 3, ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या आया रो इंटू 9L बाई ए, है ना, तो 9 इंटू कितना हुआ ये रो एल बाई ए। अब रो एल बाई ए का वैल्यू क्या था देखो, तो इक्वेशन 1 में आर इज कटू था ना रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए की जगह क्या लिख देंगे आर, नया रेजिस्टेंस क्या हुआ पुराने रेजिस्टेंस का 9 times, क्लियर। और रेसिस्टिविटी क्या होगा बेटा, देख लो यहाँ पे अभी बोले थे ना रेसिस्टिव
रेसिस्टिविटी ये क्या करेगा? कोई चेंज नहीं, नो चेंज, क्योंकि आपको क्या बोले थे अभी हम कि रेसिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब वायर है उसको स्ट्रेच करो चाहे जो करो, उसका लेंथ बढ़ा तो लेंथ पे वो डिपेंड ही नहीं होता है रेसिस्टिविटी, इसलिए जो पुरानी रेसिस्टिविटी थी वही रेसिस्टिविटी रहेगी, केवल क्या चेंज हुआ, रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड? क्वेश्चन फिक्स कर लोगे इसमें? ओके, थैंक यू।